जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा एक डिसीज़न लिया गया है क्योंकि स्कूल्स हैं उनको पार्शली तौर पर आज से रीओपन करवाया जाएगा, उसी को देखते हुए जो स्कूल जो है रीओपन किए जा रहे हैं। और इस वक्त हम उधमपुर के गोल मार्केट के साथ लगता एक स्कूल है, मॉडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं म्यूनसिपलिटी की गाड़ी द्वारा जो है किस तरह से फॉगिंग करवाई जा रही है। और साथ में जो हालांकि हम आपको बता दें कि जो रूम्स हैं उनको भी अच्छी तरह से फॉगिंग किया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोविड की वजह से किसी तरह की बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी बात को लेके हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त किसी स्कूल के हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल, उनसे बात करेंगे कि उनके द्वारा क्या क्या SOPs रखे गए हैं ताकि बच्चों को जो है कोरोना से बचाया जा सके और क्लासेस भी लगाई जाएँ। आइए इनसे बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए और क्या क्या SOPs जो है रखे गए हैं वो थोड़ा बताइए। आई एम सुनील शर्मा, आई एम प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन मॉडल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन है, फोर्थ फेज ऑफ द अनलॉक में स्कूल्स आर गोइंग टू बी ओपन विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे 21 सितंबर। तो उसमें हमने सारे इंतजाम करवाए हैं। सबसे पहली बात ये थी कि हमारे पास चैलेंज था कि दिस स्कूल वॉज कन्वर्टेड इन टू अ क्वारंटाइन सेंटर एंड इट रिमेंड क्वारंटाइन सेंटर फॉर दर अबाउट 6-7 मंथ्स। तो इसको सैनिटाइज कराना और यहाँ से वो जो क्वारंटाइन वालों का सामान है उसको बाहर, वो हमारे लिए एक चैलेंज था। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हम उसमें कामयाब हुए हैं और रिपीटेडली यहाँ सैनिटाइजेशन पिछले 10 दिन से चल रही है। पहले हमने खुद की, फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कहा, उसके बाद आज दोबारा ये है, यहाँ गाड़ियाँ आई हुई हैं। हम कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, लाइफ इज़ नंबर वन। तो पूरी तरह स्कूल जो है एक एक इंच स्कूल का हम सैनिटाइज करवा रहे हैं, उसके बाद बच्चे यहाँ अपना एकेडमिक फंक्शन। सर जैसे गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि कितने परसेंट यहाँ पे स्टाफ आएगा और बच्चों को किस तरह से बुलाया जाएगा, क्या थोड़ा ये भी क्या प्रोटोकॉल है इसका ये बताइए। देखिए इसमें स्टाफ जो है गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि स्टाफ आएगा 50% और बच्चे जो हैं वो नीट बेस्ड बच्चे आएंगे। हमने रोस्टर इशू कर दिया है, रोस्टर बच्चों को पहुंच गया है। किसी बच्चे को केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है तो वो बच्चा, केमिस्ट्री का टाइम है 11 से 12, तो वो बच्चा 11 बजे आएगा और 12 बजे अपनी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम दूर कर चला जाएगा। ऐसे ही हमने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बाइफरकेट किया है। ये नहीं है कि स्कूल लग जाएंगे 8 से 4 बजे, 10 से 4 बजे तक यहाँ स्कूल लगेगा और 2000 बच्चा यहाँ आ जाएगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू गिव द एजुकेशन टू 2000 स्टूडेंट्स इन ए स्ट्रेच। तो स्टाफ 50% आएगा, 3 दिन साइंस के लोग आएंगे, 3 दिन आर्ट्स के लोग आएंगे, वो हमने एक रोस्टर बनाया है काफ़ी लंबा चौड़ा। ऑनलाइन क्लासेस का क्या रहेगा आगे, वो भी चलता रहेगा? ऑनलाइन क्लासेस ही सब कुछ हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेस में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है वो बच्चा यहाँ आएगा और उसकी हम वो प्रॉब्लम जो है वो दूर करेंगे, पूरी SOPs को मानते हुए, पूरी SOP जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की है, उसका पालन करते हुए। पहले सेफ्टी है, उसके बाद एजुकेशन। जैसा कि आपने देखा जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने हमें बताया कि जो है पूरे SOPs को ध्यान में रखे हुए स्कूल को जो है रीओपन किया गया है और बच्चे वही आएंगे जिनके उनको पेरेंट्स जो अलॉट करेंगे। और किसी तरह की कोई अगर किसी क्लास के लिए किसी को दिक्कत हो रही है तो वो यहाँ पे वो क्लास ले सकता है। लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ी बात कही कि ये जो स्कूल जो पहले था ये क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, तो इनका कहना था कि हमने इसको पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया है कि किसी तरह के बच्चों को इसके लिए कोई भी इन्फेक्ट, कोरोना की कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके। कैमरामैन रोहित शर्मा के साथ अश्विनी शर्मा, अर्ली टाइम ब्यूरो उधमपुर।